करनाल में साइबर अपराध थाने का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि आईजी भारती अलोड़ा ने थाने का शुभारंभ किया है। इस मौके पर करनाल, कैथल व पानीपत के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। साइबर अपराध थाने का थाना प्रबंधक निरीक्षक संदीप कुमार को नियुक्त किया गया है। वही थाना प्रबंधक के सहयोग के लिए 3 निरीक्षक, 1 महिला निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 3 मुख्य सिपाही, 6 सिपाहियों को तैनात किया गया है। इस मौके पर भारती अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरे हरियाणा राज्य में कुल 6 साइबर अपराध थाने खोले जा रहे हैं, जिसके तहत करनाल रेंज में भी 1 साइबर अपराध थाना खोला गया है, जिसका आज करनाल शहर में विधिवत शुभारंभ किया गया है। इसमें करनाल रेंज के जिलों में दर्ज होने वाले साइबर अपराधों की तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने बताया कि बदलते वक्त में साइबर अपराध बड़ी समस्या बनकर उभरा है। साइबर क्राइम की रोकथाम तथा साइबर अपराध के मामलों की गहनता एवं तत्परता से जांच पड़ताल के लिए करनाल रेंज में साइबर थाना खोला गया है। इस थाने के लिए पूरी तरह से एक अलग विशेषज्ञ टीम तैयार की गई है, जिनमें करनाल रेंज के 3 जिलों करनाल, पानीपत व कैथल से अनुभवी व विशेषज्ञ अनुसंधान अधिकारियों को तैनात किया गया है। करनाल रेंज में साइबर अपराध थाना खुलने से लोगों को काफी सुविधा होगी। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग इत्यादि की FIR दर्ज करना व अनुसंधान साइबर अपराध थाना की विशेष टीम करेगी, ताकि लोगों के साथ होने वाले साइबर अपराध को जल्द से जल्द ट्रेस करके न्याय दिलाया जा सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। अरोड़ा ने बताया कि लोगों के साथ होने वाले साइबर अपराध के केसों के अनुसंधान के साथ साथ लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक भी किया जाएगा, ताकि लोग साइबर अपराधों का शिकार होने से बच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं क्राइम पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ करने के लिए IG भारती यहाँ पहुँची हैं। 3 जिलों का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यहाँ शुरू होने जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे, साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, लेकर थाना खोला गया, क्या कहना? साइबर क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं रोज आमजन में पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रेंज लेवल पे इस्टेब्लिश हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज करनाल रेंज का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का आज इनॉग्रेशन किया गया है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि रेंज में जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है गरीब आदमी ज़्यादा परेशान होता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है और पूरे उनकी जीवन भर की कमाई जो है वो चली जाती है एक क्लिक पे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस क्राइम को डील करने के लिए रेंज लेवल पे एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाए, तो आज उसका स्थापना की गई है। पहले देखा जाता था कि जो साइबर क्राइम में अभी जो केसेस होते हैं 10,000 या 20,000 की ठगी होती है पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, गरीब लोगों को खासतौर पर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि OTP शेयर करना होता है या इस तरह की शेयरिंग करनी होती है, लेकिन पुलिस उस मामले को लेकर लोग शिकायत लेकर जाते थे, पुलिस उस मामले में इतनी गंभीरता नहीं दिखाती थी क्योंकि इंक्वायरी करने के लिए बिहार जाना होता था, झारखंड जाना होता था, सिर्फ 10,000 की ठगी के लिए। लेकिन अब थाने अलग खोले जा रहे हैं तो स्पेशल टीम्स होंगी, उन पर समय होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेस किया जाएगा। जी हाँ, इसीलिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को यहाँ पोस्ट किया गया है कि इसको छोटे से छोटे फ्रॉड को भी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जिसको हो सकता है हम छोटा समझ रहे हैं वो एक गरीब आदमी के लिए पूरे जीवन भर की कमाई उसकी हो। मैम, क्या कोई स्पेशल स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी की गई है इसके लिए? जी हाँ, स्पेशल स्टाफ की रिक्रूटमेंट। मैम एक हटके सवाल है कि पोस्टिंग की गई है, रिक्रूटमेंट नहीं, फिलहाल पोस्टिंग की गई है। रेंज में जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग फिलहाल यहाँ पे की गई है। मैम, कबूतरबाजी के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं? कबूतरबाजी के मैक्सिमम मामले जो थे वो 2020 में दर्ज हो चुके हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे जो दर्ज नहीं हुए थे और अब तो केवल इक्का दुक्का केसेस ही सामने आ रहे हैं, मैक्सिमम केसेस रजिस्टर हो गए हैं। पहले ये समस्या थी कि केसेस दर्ज ही नहीं हो पा रहे थे, लोग सामने नहीं आते थे या आते थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। अब काफ़ी ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, मैक्सिमम केसेस में अरेस्ट हो चुकी है और चालान भी अब तो 2 कोर्ट किए जा रहे हैं, चालान दिए जा रहे हैं कोर्ट्स में, तो इससे पब्लिक काफ़ी सेटिस्फाइड है और लोगों को काफ़ी रिलीफ। लोगों से अपील करेंगे ऑनलाइन फिशिंग या फ्रॉड के मामलों से सावधान रहें, अगर कोई परचेसिंग करनी है तो जो बड़ी कंपनीज हैं अमेजन है उन्हीं से करें, सिर्फ लोकल जो है इस तरह से ना करा जाए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन फ्रॉड से लोग सावधान रहें, स्पेशली जो एक एवरेज तबके का एक इंसान होता है या स्पेशली बच्चे भी जो होते हैं, जो यंग हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं जो साइबर क्राइम में बहुत जल्दी से फंस जाते हैं इस चक्रों में,
तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत है। उसके बारे में हम लगातार हम लोगों को अपडेट्स भी देते रहेंगे कि किस तरीके से आपसे सावधान रहना है, बच्चों को किस तरीके से सावधान रहना है, और इसके बारे में हम बताते रहेंगे, सेंसिटाइज भी करते रहेंगे, स्कूल्स में भी जाके, कॉलेजेस में भी जाके लोगों को बताया जाएगा, और मीडिया के माध्यम से बार बार जनता को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने साफ किया। इसमें देखा जाता है कि जब भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, पुलिस तो अपनी तरफ से कोऑपरेट करती है, लेकिन जब पुलिस भी बैंकों में जाती है तो बैंक वाले जो है अधिकारी वो कोऑपरेट नहीं करते पुलिस को और आम लोगों को, इससे परेशानी होती है इन्वेस्टिगेशन। देखिए, कंपैरेटिवली ये थोड़ा नया टाइप का क्राइम है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा इसमें हमको मदद मिलेगी, और बैंक कर्मचारियों को भी इस बात बारे में बताने की ज़रूरत है, उसमें उनमें भी ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैम, दिल्ली पुलिस ने कल एक व्यक्ति करनाल का गिरफ्तार किया है, क्या जो लोग हैं वो डायरेक्ट यहीं पे शिकायत देंगे तीनों डिस्ट्रिक्ट की, क्या प्रोसीजर रहेगा? नहीं, जो अभी रजिस्ट्रेशन होगी उनके अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्ट्रेशन होगी, और उसके बाद उनको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ ला सकते हैं। जो रेंज का थाना बना है तो क्या आईजी ऑफिस से ही कोऑर्डिनेट रहेगा? जी हाँ। मैम, दिल्ली पुलिस ने कल एक व्यक्ति जो करनाल का है, ट्रैक्टर रैली में वहाँ जो कांड हुआ है उसमें गिरफ्तार किया गया है, उसको वो करनाल का बताया 26 जनवरी में उसको भी जो है वांटेड था, 50,000 का इनाम था। आप लोग सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा से और बाकी स्टेट से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, तो अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा सबूत आया होगा तो अवश्य में जो इनोवा गाड़ियाँ मिलनी थी हरियाणा पुलिस को, करनाल में करनाल रेंज भी उसमें शामिल था, क्या उसमें वो पुलिस हेडक्वार्टर से अभी चल रहा है उसमें प्रोसेस और जल्द ही मिल जाएगा। सवाल है मैम, CIE और डिटेक्टिव जो ब्रांच है बहुत गंदम हालत है बिल्डिंग्स की, उसको लेकर कुछ प्लान किया गया? उस पर SP साहब लगातार काम कर रहे हैं, और बाकी सभी थानों में जिस तरीके से अपग्रेडेशन हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। ये थी करनाल रेंज की IG भारती अरोड़ा, इन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया है, साथ में उनके पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी मौजूद रहे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। आप सभी को विदित है कि हरियाणा सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के तहत हरियाणा के जितने भी रेंज हैं उसके लेवल पे एक एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी है, उसी के तहत आज करनाल में इस पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। मानवीय सभ्यता ने जैसे जैसे प्रगति की है उसी तरह तकनीक का प्रयोग भी लगातार बढ़ा है, इससे आदमी का जीवन भी बड़ा आसान हुआ है और समय और धन की बचत भी होने लगी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व इसे आसानी से धन कमाने का जरिया भी के रूप में भी यूज करने लगे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस भी अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट करे और तकनीकी रूप से सक्षम हो। इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि एक विशेष इकाई की स्थापना की जाए जो साइबर क्राइम के जितने भी केसेज आते हैं उनकी रिपोर्टिंग, उनका रजिस्ट्रेशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से हो, ताकि आमजन को न्याय मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस स्टेशन के लेवल पर रजिस्ट्रेशन में पहले बड़ी दिक्कत आती थी, रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी उतना तकनीकी रूप से हमारे कर्मचारी सक्षम नहीं हो पाते थे, तो उस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एक एक साइबर सेल की स्थापना की गई थी जो इस प्रकार के मामलों को देखते थे, लेकिन काफी सारे मामले अनसुलझे रह जाते थे। तो आज इसी संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की जो स्थापना एक अच्छे उद्देश्य को लेकर की गई है कि जो भी व्यक्ति अपने क्राइम को रिपोर्ट करे जिसमें साइबर स्पेस क्राइम के टूल के रूप में यूज किया गया है, तो उसको ये थाना तुरंत पंजीकृत करे, पंजीकृत करने के साथ साथ उसकी उचित और त्वरित जांच भी सुनिश्चित करे ताकि आम जन को न्याय मिल सके। एक बार पुणे में करनाल रेंज की IG श्रीमती भारती अरोड़ा मैम का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि मैम ने इस कार्य के लिए अपना कीमती समय निकाला। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम आप एक बार सभी हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें ताकि ये थाना जिस उद्देश्य के लिए शुरुआत आज की जा रही है उन नई उपलब्धियों को छुए और आम जन को न्याय दिलाने में आगे बढ़े। धन्यवाद। उनके अपराध करने में जुटे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कुछ ऐसे पैचेस, एक कुछ ऐसी जगह बन गई हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली है साइबर क्राइम में। मेवात में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग खेतों में बैठ के लैपटॉप लेके बैठे हुए खेतों में और वहाँ से बैठे बैठे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। जामतारा एक जगह है जहाँ पे बैठ के झारखंड में लोग उनका एक्सपर्टीज़ है इस काम में कि वो साइबर क्राइम बैठ के वहीं बैठ के फ्रॉड्स करते हैं। उनके एक फ्रॉड से, उनकी एक क्लिक से किसी गरीब आदमी का जीवन भर का जो भी उसकी कमाई है वो जा सकती है। अभी कुछ समय पहले एक मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट, एक ऐसा साइबर क्राइम का केस मेरे सामने आया और उसने मैंने पूछा कि कितने का फ्रॉड हुआ है, तो उसने कहा 5,000।
तो मुझे लगा कि बड़ा कम अमाउंट है। देन आई जब मैंने पूछा तो मुझे पता लगा उसके अकाउंट में पैसे ही टोटल 5,000 थे। तो उस आदमी के लिए कितना बड़ा धक्का है, किसी के 5 लाख अगर हो अकाउंट में, उसके पूरे के पूरे पैसे निकल जाएं, उसके लिए जिसके अकाउंट में केवल 5,000 थे वही निकल जाएं, उसके लिए वो उतना ही बड़ा दुख की बात है जितना 5 लाख निकलने का है। तो इस बात को लेकर हम लोगों को बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि 4-5 हज़ार का ही तो पैसा गया है, क्या फ़र्क पड़ता है। और हम जो मेहनत, क्योंकि साइबर क्राइम को ट्रेस करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए आपको, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा, आपकी एक्सपर्टीज़ डबल चाहिए उन फ्रॉडस्टर्स से। तो आप लोगों को इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसमें पूरे रेंज से हमने सेलेक्ट करके बेस्ट ऑफिसर्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पोस्ट किया है और इसीलिए किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.